तो हे गाइस, फिर से स्वागत है मेरी और एक नई वीडियो में। मैं हूं आप लोगों का सोनू भाई और आप लोग देख रहे हो गेमर रो सिस्टर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे इंडिया के टॉप 5 स्नाइपर प्लेयर के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को छोटा सा मैसेज देना चाहता हूं जो कि आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक एप्लीकेशन के बारे में बोलने वाला हूं जिसका नाम है रूटेयर। आप लोग इस एप्लीकेशन में बिल्कुल फ्री में टूर्नामेंट खेल के काफी सारे डायमंड जीत सकते हो। प्लस आप लोगों को इस एप्लीकेशन में काफी सारे गिव अवेज दिखाई देगा, जैसे कि आप लोग किसी के भी लाइव स्ट्रीम में जाके गिव अवे में पार्टिसिपेट करते हो तो आप लोगों को कस्टम मैच खेलने को दिया जाएगा। अगर आप लोग कस्टम में एक भी किल करते हो तो आप लोगों को काफी सारा डायमंड दिया जाएगा। अगर आप लोग इस एप्लीकेशन में पैसा कमाना चाहते हो तो आप लोगों को पैसा कमाने का मौका भी मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे 600 रुपए इंस्टेंट पेटीएम कैश दिया जा रहा है आप लोगों को। अगर आप लोगों के पास पेटीएम है तो आप लोग पेटीएम कैश भी ले पाओगे। अगर आप लोगों के पास पेटीएम नहीं है तो अपने फ्री फायर अकाउंट में डायरेक्टली डायमंड ले पाओगे। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल फ्री में डीजे आलोक दिया जा रहा है, बिल्कुल फ्री में रोनाल्डो कैरेक्टर दिया जा रहा है। आप लोगों को यहाँ पर काफी सारे डायमंड बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है, देख पा रहे होंगे आप लोग। यहाँ पर काफी सारा आप लोगों को डायमंड भी बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है। तो जाओ भाई लोग, फटाक से डाउनलोड कर लो इस एप्लीकेशन को। आप लोगों को इस एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन प्लस कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो फटाक से डाउनलोड कर लो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन प्लस कमेंट बॉक्स। रूटर एप्लीकेशन में अभी के टाइम पे मेगा गिव अवे चल रहा है जहां कि आप लोग रूटर एप्लीकेशन को डाउनलोड करके 20,000 तक डायमंड जीत सकते हो। आप लोग एक बार जरूर डाउनलोड करके देख लेना, क्या पता आप भी विनर बन जाओ इस एप्लीकेशन में। 20-30 MB का एप्लीकेशन है, ज्यादा MB भी नहीं लगेगा। आप लोग 20-30 MB तो ऐसे ही आप लोग उड़ाते होंगे। सो गाइस, अभी हम लोग बात करते हैं टॉप 5 इंडियन स्नाइपर प्लेयर के बारे में, जो कि मैं इस वीडियो में मेरा खुद का ओपिनियन बताने वाला हूं। अगर कोई भी बंदा इसमें छूट जाता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है। सो गाइस, नंबर 5 पे आते हैं हमारे एरो आईबी भाई, जो कि काफी अच्छा स्नाइपिंग करते है। अभी आप लोग जो बैकग्राउंड में गेम प्ले देख रहे हो वो उन्हीं का गेम प्ले है। हमारे एरो आईबी भाई स्नाइपिंग करने के साथ साथ अपने चैनल पे टिप्स एंड ट्रिक का वीडियो भी डालते है, जो कि काफी हेल्पफुल होती है और उनका समझाने का तरीका क्या ही ओपी लेवल की है। अगर आप लोग एरो आईबी भाई को नहीं जानते हो तो आप लोगों को चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ के आप लोग जाके सपोर्ट कर सकते हो। अगर आप लोग इस भाई का गेम प्ले देखते हो तो आप लोग दीवाने हो जाओगे। ये भाई काफी अच्छा स्नाइपिंग करने के साथ साथ एक स्क्वाड को अकेले ही खत्म करते हैं, और ये भाई काफी सारे टूर्नामेंट में खेलते है। आप लोगों ने काफी सारे टूर्नामेंट में इस भाई को देखा होगा, जो की इनके गेम प्ले के वजह से इनको हर एक टूर्नामेंट में लिया भी जाता है। इस वीडियो में मैं खुद का ओपिनियन बता रहा हूँ, अगर मेरे वजह से यहाँ पर कोई सा भी स्नाइपर प्लेयर छूट जाता है तो आप लोग एक बार जरूर कॉमेंट करके बता देना, ताकि मुझे भी पता चले कि हमारे इंडिया में ऐसे ऐसे स्नाइपर प्लेयर है बोलकर। सो गाइस, 4th नंबर पे आते हैं हमारे एपी इज हियर भाई, जो कि काफी अच्छा स्नाइपिंग करते हैं। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि कौन है ये बंदा, इस बंदे का काफी कम सब्सक्राइबर है, आप लोग शायद से इस बंदे को नहीं भी जानते होंगे। मैं आप लोगों को चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। अभी जो आप लोग बैकग्राउंड में गेम प्ले देख रहे हो, ये गेम प्ले इसी भाई का है, जो कि काफी अच्छा स्नाइपिंग करते हैं। आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा इतना अच्छा स्नाइपिंग, जो कि ये बिना स्कोप लगाए भी हेडशॉट मार देते हैं, वो भी वन टैप। अगर आप लोग इस भाई को जानते हो तो मुझे एक बार जरूर कमेंट करके बता देना। मुझे नहीं लगता कि आप लोग इस भाई को जानते हो, क्योंकि इनका काफी कम सब्सक्राइबर है और अभी के टाइम पे इतना ज्यादा व्यू भी नहीं आता है इनके वीडियो पे, क्योंकि इस भाई को काफी ज्यादा लोग नहीं जानते है और कुछ ही लोग है जो कि जानते है। अगर आप लोग इस भाई को जानना चाहते हो तो आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस, अभी हम लोग बात करते हैं नंबर 3 स्नाइपर प्लेयर के बारे में, जिसका नाम है प्रो नेशन। ये भाई भी काफी अच्छा स्नाइपिंग करते है, लेकिन इनके चैनल पे ज्यादातर स्नाइपिंग वीडियो देखने को नहीं मिलेगा आप लोग। लेकिन जब भी स्नाइपिंग का वीडियो अपलोड करते हैं, एकदम फाड़ू वीडियो अपलोड करते हैं, आप लोग देखते ही फैन हो जाओगे। जैसे कि आप लोग बैकग्राउंड में गेम प्ले देख रहे हो, ये प्रो नेशन भाई का ही गेम प्ले है और काफी अच्छा स्नाइपिंग करते हैं, आप लोगों को देख के ही पता चल चुका होगा। आप लोग इस भाई को जानते थे तो आप लोगों को कॉमेंट करके बताना है। अगर आप लोग इस भाई को नहीं जानते है तो आप लोगों को चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। सो गाइस, ये सभी लिस्ट मैंने खुद बनाया है मेरा खुद का ओपिनियन के वजह से। अगर आप लोगों का कोई सा भी फेवरेट प्लेयर छूट जाता है तो मुझे एक बार जरूर कमेंट करके बता देना, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों का फेवरेट प्लेयर कौन है और नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर करने की सोचूंगा। सो गाइस, अभी हम लोग बात करते हैं नंबर 2 स्नाइपर प्लेयर के बारे में, जिसका नाम है अंकुश फ्री फायर। आप लोग इसे शॉर्ट में अंकुश FF भी बोल सकते हो। अभी मुझे यहाँ पर बोलने की कुछ भी जरूरत नहीं है अंकुश फ्री फायर के बारे में, जो कि आप सभी लोग भी दीवाने होंगे अंकुश फ्री फायर का गेम प्ले के वजह से। अभी मैं यहाँ पर आप लोगों को छोटा सा बात कंफर्म कर देना चाहता हूँ, जो कि अंकुश फ्री फायर AWM के साथ साथ बहुत सारे गन चलाता है और सभी के सभी गन बहुत ही अच्छी तरीके से चलाता है, मतलब कि प्रो लेवल के गन चलाता है ये बंदा। अभी जो आप लोग बैकग्राउंड में गेम प्ले देख रहे हो, ये गेम प्ले अंकुश फ्री फायर का गेम प्ले है, जो कि काफी
काफी प्रो लेवल का खेलता है ये बंदा। अगर आप लोग इस बंदे को अभी के टाइम पे नहीं जानते हो तो आप लोगों ने कभी ना कभी अपने दोस्तों के मुंह से सुना होगा, जो कि हमारे गेम पे अंकुश अपेब आया था और हम लोगों को पेल के चला गया था। मतलब कि आप लोग समझ सकते हो अभी के टाइम पे अंकुश अपेब उसके गेम प्ले के वजह से काफी मशहूर है। अगर आप लोग अंकुश अपेब को नहीं जानते हो तो आप लोगों को अंकुश अपेब का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ के आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। सो गाइस फाइनली अभी हम लोग बात करते हैं नंबर 1 स्नाइपर प्लेयर के बारे में, जिसका नाम है पहाड़ी। आप लोग पहाड़ी गेमिंग को तो जानते ही होंगे, जिसने 1-2 दिन पहले स्नाइपर का अवार्ड जीत के लाया था। फिलहाल पहाड़ी गेमिंग के बीच में कंट्रोवर्सी चल रहा है, अभी के टाइम पे एंड भी हो चुका होगा शायद से, मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि पहाड़ी गेमिंग के बीच में बहुत ही बड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा है। अभी हम लोग कंट्रोवर्सी को इग्नोर करते हुए गेम प्ले की बात करते हैं इस वीडियो में। सच कहूं तो मुझे अंकुश अपेब और पहाड़ी गेमिंग के बीच में काफी कंफ्यूजन हुआ, किसको 1 नंबर पे रखूं किसको 2 नंबर पे रखूं। फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया कि पहाड़ी गेमिंग को 1 नंबर पे रखा जाए और अंकुश अपेब को 2 नंबर पे रखा जाए। आप लोगों को क्या लगता है, पहाड़ी गेमिंग को 1 नंबर पे रखना चाहिए था या अंकुश अपेब को 1 नंबर पे रखना चाहिए था? मैंने तो पहाड़ी गेमिंग को 1 नंबर पे रखा, आप लोगों को क्या लगता है जरूर कमेंट करके एक बार बता देना। पहाड़ी गेमिंग की गेम प्ले की बात करें तो बैकग्राउंड में आप लोग जो चल रहा है अभी के टाइम पे गेम प्ले, वो ग्रैंड मास्टर पे गए थे, मैंने वही गेम प्ले उठाया था। आप लोगों को काफी अच्छा अच्छा गेम प्ले देखने को मिलेगा, जहां की यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ग्रेनेड से भी नॉक कर देता है बंदा काफी इजीली, और 2-2 MH2 भी चलाता है बंदा, AWM भी 2-2 चलाता है, मतलब कि पूरा ओपी लेवल का खेलता है। गेम प्ले क्या ही लाजवाब की है, ये बंदा का गेम प्ले के साथ साथ समझाने का तरीका भी क्या ही ओपी लेवल का है। अगर आप लोग इसका वीडियो एक बार देखोगे तो आप लोग एक ही बार में समझ जाओगे किस तरीके से MH2 भी चलाया जाता है, किस तरीके से AWM चलाया जाता है। टिप्स एंड ट्रिक की बात करें तो हमारे एरो आईबी भाई प्लस पहाड़ी गेमिंग भाई काफी अच्छी तरीके से समझाते हैं। मैंने 5 लोगों का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो। उसके साथ साथ आप लोगों ने देखा होगा जो कि मुझे लाइव करने पे काफी ज्यादा हेल्प करते हैं, वो है हमारे आकाश भाई। अगर आप लोग आकाश भाई का चैनल पे विजिट करना चाहते हो तो आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग एक बार जाके सब्सक्राइब कर देना और भाई को भी मेरी तरह ही सपोर्ट कर देना। तो चलिए भाई लोग मिलते हैं और एक मजेदार वीडियो में, आज के लिए इतने रहा, बाय बाय।